एज यू गाइस नो गॉडलाइक के जो रिसेंट मैचेस थे एंड टूर्नामेंट्स थे वो काफी खराब जा रहे थे, बट फाइनली उनका कमबैक हो चुका है बहुत टाइम बाद। एंड देखते हैं नियो का रिएक्शन कैसे होता है। एंड मेरे को तो काफी खुशी हो रही है ये मैच देखते हुए, एंड आई होप आप लोग को भी अच्छी लगेगी अगर आप एक गॉडलाइक के फैन हो। बाकी सबको तो मिर्ची लगने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। गॉडलाइक के द्वारा एक जो टीम आई थी कोड रेड की उनको एलिमिनेट किया गया, बट देखना ये टीम गॉडलाइक या वो कुछ करने को तैयार है। टीम ये सामने से पूरी टीम आया, चलिए उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरा प्लेयर सामने, गॉडलाइक इट्स ओवर, दे आर आउट ऑफ दिस लॉबी। बिकॉज़ अभी की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स डाउनफॉल है, तो डाउनफॉल है ये एक्सेप्ट करने में। आई डोंट But maybe not anymore. And yes, team godlike. Unka samapan elimination. PNPS 2023. खैतान घर जांच मिलानी खैतान गुनानी चार बुर सिंह तूने एहसान नुरानी है कौन दुवारी एहसान चुकानी देख बनी लहर तेरे भाई की सुना कहाँ से ये पटके आ रहे हैं, बट जो भी है फाइट तो ब्रैक्स है वो टीम गॉडलाइक के नाम आता नजर आएगा, उसको घेर लिया जाएगा, चले आएंगे पीएस को टेक डाउन। यानी टीम ने ट्राई आउट काफी अच्छा फेक आउट क्रिएट कर रहे थे और निकालेंगे जरूर। तेरे को तो मैं क्या ही बोलूं, विवाद हो जाएगा, अकेले बोलूंगा तो फंस जाऊंगा और बहुत सारी चीज है ऐसे मेरी जो भी होगा, अगर वो कुछ बोलता भी है तो उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। देखो हम लोग अच्छा खेलेंगे तो सब अपने को अच्छा ही लगेगा, कि फिर ऐसा लगेगा अपने को कि मेजी अपना सपोर्टर है। बट हाँ ये है कि वो कभी कभी ट्रोल करता है, सरकैज़म में टॉन्ट मारता है, देखा है मैं वो कि ऑफिशियल मतलब ये कोई तो भी एक दिन मैं देखा था कोई तो स्ट्रीम के चैट में आके लिख रहा था गॉडल फॉर द विन, ऑल दो हम लोग टूर्नामेंट बहुत गंदा है, मतलब वो समझ जाता है अपने को, अपन बच्चे लिए अपने को समझ जाता है कि वो टॉन्ट मार रहे हैं, वो सरकैज़म में गांड मार रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बस उसको नहीं करना चाहिए एज अ कास्टर, इतने बड़े इतना बड़ा कास्टर ऑफिशियल टूर्नामेंट का कास्टर है, तो वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए उसको। या एक बार बोलो राजू भाई, एक भाई, एक भाई। इसको बोलते असली है कि शिकार पे निकले तो जंगल खुशहाल होना चाहिए, जो शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूख से मरेगा। आनी जे तुम्हारे शुद्धू जे तुम, सीधा यहाँ पर गॉडल के मैक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आनी जे तुम्हारे मैच की तरफ कदम रख दिए जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको नॉक कर दिया जाएगा 14 सेकंड इस समय रोनी को भी नॉक कर दिया जाएगा, एक एक करते हुए सभी प्लेयर्स नॉक होते जा रहे, मान्य अभी डाउन, चौका का लास्ट मैच स्टार्टिंग, अपनी टीम की आखिरी उम्मीद टीम गॉडलाइक एक ही झटके में तीन बार कुछ सोई को यहाँ से एलिमिनेट करके जाएगी। और क्या अभी क्या है, जब खराब खेलते तब सब गांड मारने आते, मार लो। मैंने कर्म करे, मैंने कर्म करे, अरे अक्षत को भी डाउन, जेली आठ फिशेस के साथ बहुत सारी टीम को दिक्कत में डाल रहे हैं, बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट फूल के द्वारा डोमिनेट करते नजर आएंगे। सेकंड प्लेयर को भी यहाँ पर डाउन, फॉक्सी को डाउन,
जीते तो माइक पे लाइट अप है बना बहुत कुछ तो मैक का ये शानदार ग्रेनेड एक ही ग्रेनेड से उन्होंने चार खिलाड़ियों को निकाल दिया रियली गुड जोनाथन विद दोस ग्रेनेड्स एंड जोनाथन के एक अलग ही ग्रेनेड का टच है भाई जब जब इस प्लेयर ने ग्रेनेड बरसाए हैं हमेशा रिजल्ट जरूर आए स्टेबल के सब भी देखेंगे टॉप डॉग और टावर प्ले कुछ सेकंड के अंदर टॉप डॉग भी इतिहास में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे इसलिए बट मैं भी कुछ करते उससे पहले जेली टू द एसएल के Godlike Jonathan, the Universal MVP is back to take his throne. आपने एक नाम बोला था MVP का, एक बार अनाउंसमेंट करी थी आपने। तो चलिए गाइस, the MVP of the tournament is the man, the myth, the monster, Godlike Jonathan. ये स्पेरो का डायलॉग है क्या? The man, the sender, the destroyer of worlds. Okay.